Hello friends, welcome to Wikipedia. Myself Ankush Sharma, Senior Faculty of Abhimanyu IAS. Post Independence की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है शाह बानो केस 1985. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे इस केस ने इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया था और एक ग्राउंड प्रोवाइड किया था मुस्लिम वुमेन के राइट्स के लिए. ओके, फर्स्ट लार्जर बैकग्राउंड की बात करते हैं. 1932 शाह बानो की शादी होती है मोहम्मद अहमद खान. शाह बानो और मोहम्मद अहमद खान के 5 children है, 5 बच्चे हैं. ओके, आफ्टर 14 years मोहम्मद अहमद खान दूसरी शादी करते हैं. दैट मींस 1946 में ये दूसरी शादी करते हैं. अब दोनों वाइफ मोहम्मद अहमद खान की शाह बानो एंड जो दूसरी शादी हुई है दोनों एक साथ रहते हैं. ठीक है, तो छोटा परिवार सुखी परिवार दोनों साथ में रह रहे हैं. 1975 में मोहम्मद अहमद खान को लगता है कि अब वो शाह बानो को अपने साथ नहीं रह सकते. दैट्स व्हाई शाह बानो को घर से निकाल दिया गया, बच्चों को भी घर से निकाल दिया गया. मोहम्मद अहमद खान ने प्रॉमिस किया कि एवरी मंथ वो शाह बानो को 200 रुपीज देंगे. मोहम्मद अहमद खान ये मध्य प्रदेश में एक लॉयर है. ओके, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था 200 रुपीज पर मंथ. ये जो प्रॉमिस किया गया था इरेगुलर था, मतलब पैसे जो दिए थे इरेगुलर थे, कभी मिल रहे हैं कभी नहीं मिल रहे हैं. तो शाह बानो परेशान हो रही थी. शाह बानो ने मेंटेनेंस के लिए लोकल कोर्ट में अपील की और ये अपील होती है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. इस सेक्शन ये बोलता है कि अगर एक वाइफ है और उसको आपने डिवोर्स वगैरह दे दिया है तो आपको उसको मेंटेनेंस देना होगा, एवरी मंथ अलाउंस देना होगा अगर वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, बहुत सारे और भी प्रोविजन है बट मेन ये प्रोविजन यहां पर अप्लाई होगा. इस टाइम पर अब मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो को तलाक दे दिया. तो पहले घर से निकाल दिया था, अभी तलाक दे दिया और ये बोला कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म बिकॉज अब ये मेरी वाइफ नहीं है. ओके, शाह बानो ने जो केस लगाया हुआ था किसमें, लोकल कोर्ट में, लोकल कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया. लोकल कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को बोला कि आपको एवरी मंथ 25 रुपीज देने होंगे बट ये बहुत कम थे. दैट्स व्हाई शाह बानो ने अब इसको आगे अपील की और ये अपील जाती है हाई कोर्ट में. ठीक है, एमपी के हाई कोर्ट इंदौर में. एमपी का जो हाई कोर्ट है वो अब इस मेंटेनेंस को बढ़ा देता है और वो कर देता है 179.20 रुपीज कि एवरी मंथ आपको इतना अलाउंस देना पड़ेगा शाह बानो को. पर दूसरी तरफ मोहम्मद अहमद खान ये बार बार बोल रहे थे कि बिकॉज मैंने तलाक दे दिया है इसलिए अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं अब ये अलाउंस नहीं दूंगा, ये जो मेंटेनेंस है खर्चा जो है वो मैं नहीं दूंगा. देन मोहम्मद अहमद खान ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भी मोहम्मद अहमद खान को सपोर्ट करता है, वो भी एक पार्टी बन जाता है. केस लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट किया हर चीजों को समझा और उसके बाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक वर्डिक्ट आया, हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आता है और इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट एंड मेंटेनेंस को भी बढ़ा दिया. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर परेशान था. वो बोलता है कि ये रिग्रेटेबल है कि जो हमारा आर्टिकल एस 44 जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है वो एक डेड लेटर बना हुआ है, उस पर कोई अभी वर्क नहीं हुआ है. दैट मींस आप इसको समझिए, तो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 125 ये एप्लीकेबल हो गया सबके ऊपर. दूसरी तरफ अब ये पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि नो, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हमारे ऊपर बिकॉज ये हमारे अलग पर्सनल लॉ है तो आप रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इस टाइम पर 1984 में राजीव गांधी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, उनकी गवर्नमेंट थी. राजीव गांधी को अब कुछ लीडर्स ने बोला कि देखिए हमें जो ऑर्डर आया है, जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ओके, इसको चेंज करना पड़ेगा. अब चेंज कैसे करेंगे, तो एक बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, उसको एक्ट बनाइए. तो राजीव गांधी गवर्नमेंट अब प्रेशर में आ जाती है बिकॉज रोड्स पर भी कुछ बंदे आ चुके थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ वायलेंस भी हुआ. तो राजीव गांधी गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाती है और प्रेशर में आने के बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट एक एक्ट बनाती है. एक्ट का नाम क्या था, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन
ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स 1986। इस एक्ट के अंडर में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। ओके, क्या बोला गया इस एक्ट में? बोला गया जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ओनली कब तक होगी? वो होगी इद्दत पीरियड। अब आपको ये वर्ड समझना है, इद्दत, या इसको बोलते हैं इद्दा भी बोलते हैं। इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम, किसी मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो उस वाइफ के लिए इद्दत पीरियड होगा 3 मंथ। 3 मंथ के बाद वो दूसरी शादी कर सकती है। ओके, तो दैट मीन्स यहां पर जो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, इस केस में वो था 3 मंथ या 90 डेज। ये इद्दत पीरियड हम बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद अहमद खान को ओनली 3 मंथ तक इनको पैसे देने थे। इस एक्ट ने यह भी बोल दिया कि एक लमसम अमाउंट देकर सेटलमेंट हो सकता है। तो ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, ऑर्डर को चेंज कर देता है। क्या पार्लियामेंट को ऐसा करना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो इस टाइम पर आया था उसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, या ये ह्यूमन राइट्स की बात थी या नहीं थी? ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर हम आज भी ढूंढ रहे हैं। ओके, बट आगे बात करते हैं। जब ये एक्ट पास किया गया देन अपोजिशन पार्टी जो थी वो राजीव गांधी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती हैं, और बीजेपी इसमें सबसे आगे थी। ये बोला जा रहा था, क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि मुस्लिम्स को अपीज किया गया है और उस अपीजमेंट के लिए ये एक्ट लाया गया है। राजीव गांधी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इस टाइम पर उनको क्रिटिसाइज किया गया, आरोप लगे, प्रत्यारोप हुए। ओके, उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट क्या करती है? तो राजीव गांधी गवर्नमेंट अब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को हैप्पी करने के लिए जो बाबरी मॉस्क है, ओके, उसमें लॉक लगा हुआ था। तो इशू पहले से चल रहा था, तो बाबरी मॉस्क में लॉक लगा हुआ है तो इस लॉक को ओपन करा दिया गया, खोल दिया गया, और वहां पे वर्शिप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आपको पता है आगे क्या होता है, ये बढ़ते बढ़ते जाता है बाबरी डिमोलिशन तक। क्या ऐसा पहली बार हो रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस कि रिलीजन को यूज किया गया पॉलिटिक्स में? यस, आप कह सकते हैं कुछ हद तक ऐसा हुआ और रिलीजन का यूज किया गया था पॉलिटिक्स के लिए। ओके, तो यहां पर हमने जैसे डिस्कस किया बाबरी मॉस्क का इशू भी यहां पर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस केस का जो वर्डिक्ट आया इसका कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, बिकॉज शाह बानो ने तो बाद में केस वापस ले लिया था, बट इसका फायदा ये हुआ, फर्स्ट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इश्यू था उसको रेज किया गया। ओके, सेकेंड इसका जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि इसने ग्राउंड बना दिया। तो इम्पैक्ट जो था वो ये था कि इसने ग्राउंड यहाँ पर क्रिएट कर दिया और मुस्लिम वुमन इस ग्राउंड पर आगे फाइट कर सकती थी। फिर आपने देखा अभी 2017 में शायरा बानो केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को क्या बोल दिया कि ये इनवैलिड है, ट्रिपल तलाक। ठीक है, तो ये केस आप कह सकते हैं शायरा बानो का जो था वो लिंक आपका जाएगा शाह बानो केस से। नेक्स्ट थिंग, जब आपने पॉलिटिक्स में रिलीजन को यूज किया तो ये जो यूज था रिलीजन का ये बढ़ता गया इसके बाद, और इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा एक पार्टी को होता है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा इसका फायदा हुआ और उसकी सीट्स इसके बाद बढ़ती जाती। ओके फ्रेंड्स, तो ये था शाह बानो केस। ओके, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।